Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschatya Desatarine Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanamitamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सबसे विनती है कृपया आप भी शांत हो जाइए थैंक यू वेरी मच जो भक्त यहाँ अभी शाम को आए हैं आपको भूरी भूरी धन्यवाद। मैं जानता हूँ दुबई का लाइफ बहुत चैलेंजिंग रहता है, आपने गुजारा के लिए काम करना पड़ता है, बहुत सारी प्रेशर है, फिर भी आप लोग समय निकाल करके आ जाते हैं। वास्तविक रूप में आप लोग ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी लाइफ बहुत सुपरफिशियल बन जाता है। जब लाइफ सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पर चलता है तब व्यक्ति को यकीन नहीं होता कि वो कुछ गलत रास्ता पर चल रहा है। जब एक दिन कुछ एक घटना के क्रम पर उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती है, तो वो जैसे नींद टूटने के बाद व्यक्ति उठता है, बहुत कुछ काम करना होता है, तब सोचता है क्या करना चाहिए। ऐसे जिन लोगों की नींद अभी टूटी है, कभी कभी वो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्था है, लोग तो कुछ कर रहे हैं, मुझको भी कुछ करना चाहिए। और जब किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जुड़ जाता है उसके बाद कभी कभी उसी के मन में प्रश्न होता है कि सही, जो लोग सन्यासी बनकर के मंदिर आश्रम में रह रहे हैं वो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए क्या गति है, हमको क्या करनी चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर आज के सत्र में ये दिया जाएगा। भागवत एक महान ग्रंथ है, स्वयं भगवान ही भागवत के रूप में आए हैं, और ये भागवत में सबके लिए ये संदेश दी गई है। भागवत को वेदांत सूत्र का कमेंट्री के रूप में लिया जाता है, ये कमेंट्री है, तो उसी से एक प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे आज। श्लोक इस प्रकार के, भगवान ने ये श्लोक बताए,
गृहे स्वाभिशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वर्ता जातजामानं न बंधाय गृहमता। यह भगवान स्वयं बोल रहे हैं, गृहेषु आविशतां चापि, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बावजूद भी पुंसां कुशलकर्मणां, जो पुरुष जो व्यक्ति बहुत ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में भाग लेता है, कुशल कर्मणाम का मतलब यह है, मतलब जिसको पता है किस हिसाब से कर्म करना चाहिए, जीवन धारण के लिए कर्म अनिवार्य है, बिना कर्म के अपना जीवन बिताना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए कर्म कैसे करना है, कुशल कर्म, कुशल बहुत कौशल से बहुत ध्यान दे करके हमें कर्म करना होता है, उसको कुशल कर्म कहा जाता है, जो कर्म कुशल कर्म करता है उसको कहते हैं कुशल कर्मा, कुशल कर्म करने वाला। और भगवान कहते हैं मद्वर्ता जात जामाना, हर क्षण वो मेरी वार्ता श्रवण में लगा रहता है, मुझ में उसका मन लगता है। मतलब दो बात भगवान ने कही, कुशल कर्मणा मद्वर्ता जात जामाना। क्या हो गया, थोड़ा ये हो गया, आलो से साउंड कुछ आ रहा है, इसको बंद कर दीजिए, बाय, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, उसको सोने दीजिए। मद्वर्ता यात जामाना, भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी कथा श्रवण करता है न बंधाय गृहमता, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उसको बंधन नहीं लगता है। ये तो एक भूमिका बताया, इसके पीछे बहुत बड़ा एक घटना है, कहानी है। इस भागवत में एक बहुत बड़े पुण्यात्मा, बहुत बड़ा धार्मिक राजा का नाम आया है, जिनका नाम था बरिशत, और उनका एक्चुअल नाम भागवत में वर्णन है वो प्राचीन बरिशत। तो ये प्राचीन बरही बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, मतलब वो धार्मिक व्यक्ति थे, हैं राजा, लेकिन हमेशा के लिए पुण्य कर्म में उनका जीवन बीतता था। तो नाम तो था बरही, सब प्राचीन बरही कैसे हो गया, संस्कृत में पूर्व दिशा को प्राची कहते हैं, पुण्य कर्म धर्मानुष्ठान जैसे यज्ञ इत्यादि करते समय यजमान को पूर्व दिशा पर मुंह करके बैठना है, और जो बैठने के लिए आसन होता है कुश से बनता है वो आसन, कुश का जो जड़ होता है वो पूर्व दिशा में रहना चाहिए। वास्तविक रूप में आजकल के दुनिया में लोगों को पता नहीं है, सब कुछ परिवर्तन हो गया है, हमारी वैदिक संस्कृति बहुत पर्टिकुलर है। कभी कभी हम लोग अभी साउथ इंडिया में भी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ब्राह्मण मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब पता है, बहुत अच्छे ढंग से लोग करते हैं। अब तो कुशासन बाजार में मिलने लगा है ना, और सो काट लेते ऊपर से, जड़ कौन उठाएगा पता भी नहीं है, है? एक
जल पता नहीं चलता है किधर है, तो कैसा आसन करेगा। देखिए ये छोटा सा बात है, कर्मकांड करते समय ये आसन कैसे बनाना चाहिए, किस दिशा पर मुंह करके बैठना, आसन को कैसे बैठाना, फिर उस पर बैठ के कर्मकांड करना, इसका भी साथ में बढ़ना है। तो जो भी हो वो इतना यज्ञ करते थे कि पूरा पृथ्वी कुशासन में आच्छादित हो गया था। आज एक जगह की एक काल दूसरा जगह की, ऐसे उनका इतना धर्म क्रिया चलता था कि सारा पृथ्वी एक कुशासन में आच्छादित हो गया था। बरही कुश, तो इसके नाम इसकी इसीलिए उनका नाम हो गया प्राचीन बरही। और उनके 10 पुत्र थे जिनको प्रचेता कहते हैं। ये प्रचेता लोग 10 पुत्र, लेकिन इनका शील स्वभाव शरीर का वर्ण एक सा था, इसीलिए 10 पुत्र होने पर भी सबको पिता माता ने एक नाम रख दिया प्रचेता। तो ये प्रचेता उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये भी बहुत महान व्यक्ति थे। तो ये प्रचेता उनके जो माता थे, माता की नाम थी सतद्रुति। ये सतद्रुति नाम ऐसे हो गया कि वो भी बहुत बड़े व्यक्ति के बेटी थी, वो समुद्र की बेटी थी। समुद्र सबसे धनी व्यक्ति होते हैं, है ना? समुद्र से हीरा मोती शंख वगैरह हम लोगों को मिलता है, मोती मिलता है विशेष रूप से, वो कितना कीमती है, बहुत सारे रत्नकार, इसलिए समुद्र को कहते हैं रत्नाकर, रत्न का भंडार है। कभी कभी समुद्र से कई थोड़ा सा ऐसा मोती होती लेकर के वो बेचता है तो बहुत बहुत बड़ा धनी बन जाता है। तो समुद्र कितना बड़ा धनी होगा, इतना धन है उनके पास, वो किसी का धन लेते नहीं है। जैसे कभी कई जाते हैं स्नान करने के लिए, उनका जूता या कुछ खो गया, बह जाता है समुद्र में लहर में, फिर बाद में दूसरा दिन जाए तो फिर उसको वापस तट पर मिल जाता है, वो फेंक देता है, उनको जरूरत नहीं। धनी तो ऐसे होना चाहिए, है ना? ये दुनिया के जो धनी है उनको हमेशा के लिए आकांक्षा रहता है कि हमको और धन मिले, लेकिन हमारे समुद्र देव के पास इतना है कि उनको किसी का धन का जरूरत नहीं। तो उनका बेटी थी वो सतद्रुति, और कौशल में बहुत तीव्र थी। सत मतलब 100, द्रुति मतलब द्रुतगामी, वो द्रुतगामिनी थी। मतलब मान लीजिए अभी प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में 100 लोगों के लिए प्रसादम बनेगा, वो अकेले ही सब कुछ कर देगी, किसी का जरूरत नहीं है, इतना एक्सपर्ट थी, बहुत सुंदरी थी। तो उनके गर्भ से ये 10 पुत्र जन्म हुए। तो ये जो प्राचीन बरही है ये उन पुत्रों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का निर्देश दिए। जैसे होता है संसार में, पिता माता कहते हैं कि बेटा गृहस्थ बन जा, लेकिन कैसे गृहस्थ बनेगा कुछ पता नहीं, क्या करना चाहिए कुछ निर्देश नहीं। हमारे पिताजी गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ हूँ, संसार में सब लोग गृहस्थ बन रहे, तू भी गृहस्थ बन जा। लेकिन देखिए भागवत में निर्देश है, पिताजी बताए गृहस्थ बनना है। तो पहले समय में, पहले क्या अभी भी कुछ संस्कारी समाज में ये बात प्रचलित है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने
दौरान व्यक्ति को तपस्या जरूर करना है। खाली ऐसे नहीं कि ब्रह्मचारी सन्यासी जो मंदिर में रहते हैं उन्हीं को ही तपस्या करना होता है, नहीं, तपस्या सबको करने से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, बच्चा पैदा करने से पहले संस्कार करना पड़ता है, ये सब तपस्या है। तो ये बच्चों को जो उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए निर्देश दिए पिताजी, तो लोग तपस्या करने के लिए घर से निकल गए। घर से निकले, पश्चिम दिशा में वो लोग जाने लगे और जाते जाते जंगल में प्रवेश किए। जंगल में भी बहुत दूर उन्होंने चले गए, जाकर के बहुत बड़ा एक सरोवर के पास पहुंचे। उसका आस पार आर पार नहीं देखा, बहुत बड़ा सरोवर है। जैसे मान लीजिए आप कनाडा जाते हैं तो देखिए ओंटारियो, ओंटारियो में बहुत बड़ा लेक है, देखने में लगेगा कि समुद्र जैसा है, ठीक है। तो वहां जाकर के वो लोग खड़े थे। उस समय उनको वाद्य सुनाई दिया और कुछ क्षण में वो देखे एक समुद्र से एक महापुरुष निकल के आ रहे हैं अपनी अनुजाइयों के साथ। बाजा बज रहा है, संगीत चल रहा है। वो वहाँ से निकल करके अपने पार्षदों के अपने परिकरों के साथ आ रहे हैं। तो वो लोग देखे, देख के पता चल गया कि स्वयं शंकर जी आ रहे हैं, शंकर भगवान आ रहे हैं। तो शंकर भगवान जब आए कि बेटा मुझको पता है तुम लोग क्यों यहाँ आया है। तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बारे में कुछ संदेश दिया, वर्णन है। जैसे संसार में ब्रह्मचारी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये गृहस्थ आश्रम में कुछ भोग भोगने का छूट दिया गया है और तीनों आश्रम के लिए भोग का निर्देश नहीं है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासियों के लिए उनको पूरा डिटैच्ड रहना है, जिसको मेंटेन डिटैच्ड लाइफ, लाइफ ओरिएंटेशन। लेकिन गृहस्थों के लिए कुछ भोगों का छूट है, लेकिन उनके लिए फीस भी बहुत ज्यादा है। क्या फीस ज्यादा है? उनको और जो तीन आश्रम है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यास, इनको मेंटेन करना होता है। अभी समाज में जो वैश्य समाज है या अलग गृहस्थ हैं, ये लोग अपना अपना जुटाने में व्यस्त है। संसार को संरक्षण के लिए कोई सोचता नहीं है, लेकिन हमारा वैदिक संस्कृति ये कहता है गृहस्थ आश्रम में रहने वालों का ये दायित्व है कि अलग जो तीन आश्रम में जो रहते हैं उनको मेंटेन करना है। और कहते हैं कि यो गृहस्थ सो जीवन अच्छी तरह से सुष्ठु रूप से गृहस्थ आश्रम को बिता लेगा वो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो वैष्णव बन जाता है, भगवान की भक्ति करने लग जाता है, इसी जन्म भगवान को प्राप्त कर लेता है। शिव जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण पद प्राप्त करता है, अगर वो ब्रह्मा भगवान का भक्त है तो उसकी जीवन की अवधि जब पूरा होता है उसके साथ जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सबको लेकर के भगवत धाम जाते हैं। और कहीं जो वैष्णव होते हैं
इसी जन्म में भक्ति करके वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कितना आसान है। तो इसलिए वो कहे कि बेटा मैं समझता हूँ तुम लोग यहाँ क्यों आया है, मैं तुमको एक मंत्र देता हूँ जिसको रुद्रगीत के रूप में जाना जाता है भागवत में वर्णन। तुम ये मंत्र जपोगे तो भगवान तुमको जरूर मिलेंगे। तो ऐसे रुद्र भगवान ने उनको उनसे बात किए और उनको मंत्र दिए। ये प्रचेता लोग ये मंत्र लेकर के पानी में प्रवेश किए, अपने गला तक पानी में खड़े रह करके ये मंत्र जपने लगे। कब तक? 10,000 वर्ष में। सुनने में लगेगा इतना तपस्या कौन करेगा भाई। नहीं, आपके लिए तपस्या बहुत आसान है, हम बताएंगे अंत में क्या तपस्या करना है, घबराइए मत। कलयुग के लिए कुछ छूट है, लेकिन तपस्या तो जरूर करना है। तपस्या नहीं करेगा तो कुछ भी कर लिया, प्राप्त कर लिया इस संसार में, फिर भी जीवन अधूरा रह जाएगा। तो लोग 10,000 वर्ष तक उसमें पानी में खड़े होकर के ये मंत्र जप किए। अंत में भगवान उससे प्रसन्न हुए। यही बात है, जब कई सात गुरु के चरण आश्रय में आकर के गुरु जी के निर्देश के मुताबिक साधन अनुशीलन करने लग जाते हैं, उनमें सिद्धि जरूर मिलता है, उनको सिद्धि जरूर मिलता है। कई उदाहरण है, यहाँ प्रजेताओं के पास भगवान मिले, ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दिए, प्रहलाद महाराज को भगवान दर्शन दिए, भले वो छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्यों? सतगुरु सिखाते हैं भजन कैसे करना चाहिए। भजन राज्य में जो गुरु के निर्देश के मुताबिक अनुरूप भजन करता है वो सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाता है। यहाँ रहते हुए भी संसार की प्रपंच उसे स्पर्श नहीं करता है। तो भगवान जब उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहे कि बेटा वर मांगो। और ये प्रचेता लोग भगवान को वर मांगने से पहले भगवान इतने संतुष्ट थे आपने आप वर देने लगे। देखिए जब भगवान खुश हो जाते हैं ऐसे भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसे होना ध्रुव महाराज को भगवान बोले बेटा क्या चाहिए बोलो। तो बोला नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं तुम अरे छोटा सा इतना बच्चा। देखिए भगवान जो भक्ति करता है भक्ति के पीछे जो सुख सुविधाएं कैसे मिलता है भागवत में वर्णन है। जैसे गाधी के पीछे सांड दौड़ता है, मतलब कभी कभी ऐसे रहता है कि उसको मना करने से भी वो नहीं छोड़ता है पीछा। जो भगवान की भक्त बन जाता है वो भक्त के पीछे ऐसे सुख सुविधाएं जैसे गाय के पीछे सांड दौड़ता है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। वो नहीं चाहते हुए भी उसके पीछा करता है ये, जैसे सांड पीछे जाती है। क्या समझ रहे हैं ना? तो इसे ये लोग तो भगवान से कुछ मांगे ही नहीं, नहीं फिर भगवान अपने आप देने लगे। जैसे ध्रुव को भी दे दिए। क्या कहे? कहे ये संसार तुमको कुछ नहीं बोलेगा, मुझको निंदा करेगा कि ये छोटा सा बच्चा था उसको पता नहीं था, भगवान भी उसको ठग लिया, उसको दिया नहीं। मतलब कहने का मतलब जो सच्चा भगत बनता है गुरु जी के निर्देश के मुताबिक भजन में लग जाता है भगवान उसको देते रहते हैं आशीर्वाद। भगवान उनको कहे
उनका महिमा इतना बन गया था कि भक्ति करते करते कहे कि तुम्हारे नाम जो सुबह शाम लेगा उसका भी कल्याण होगा। और कहे बेटा तुम लोग अभी शादी करो, भगवान आशीर्वाद दिए, और तुमसे जो बेटा पुत्र जन्म होगा वो भी बहुत बड़ा यशस्वी पुरुष होगा, उससे बहुत कुछ कल्याण होने वाला है संसार में। तो भगवान ऐसे जब कह रहे थे, इन लोगों के मन में ये भाव आ रहा था, अब तो हम लोग ब्रह्मचारी है, हम तपस्या कर रहे हैं, शादी भी नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं कि एक शादी करो तुम्हारा पुत्र होगा, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो भगवान समझ गए इनके मन की भावना। तो भगवान कहे वृक्षों के पास एक कन्या है, उससे तुमको शादी करना है, तुम ऊपर आओगे तो वो लोग को कन्या प्रदान करेंगे, तुम उसका पाणी ग्रहण करना है। तो वो लोग को वो जो कन्या जो वृक्षों के द्वारा सुरक्षित थी, ये कन्या एक्चुअली जन्म हुई थी कंडुमनी और प्रमलोचा नामनी एक अप्सरा। मतलब इसका घटना इस प्रकार के हैं, कंडुमनि जब तपस्या कर रहे थे इंद्र को भय हो गया कि ये मेरा आसन छीन लेगा, इसलिए प्रमलोचा को वो भेजे कि जाओ तुम इसको भ्रष्ट करो। वो आई तो उसके हाव भाव से कंडुमनि का संसर्ग हुआ, फिर तुरंत ही एक लड़की पैदा हो गई। लड़की जब पैदा हो गया वो टाइम नहीं लगा, तुरंत कभी कभी लगेगा, इसीलिए भागवत पढ़ने के समय कभी कभी लोगों ने ये क्या मतलब जैसे काल्पनिक कुछ स्टोरी जैसे बोल रहे हैं लगता है, नहीं काल्पनिक नहीं है, समझ जाते हैं। देखिए जैसे इस संसार में हर जीव का गर्भधारण से लेकर के बच्चा पैदा होने का समय अवधि अलग होता है। जैसे कुत्ता 4-5 महीना इतना में उसका बच्चा हो जाता है। तो वो स्वर्ग से आई थी कि मुनि थे, तो उनकी संयोग से तुरंत ही बच्चा हो गया, और बच्चा होने के बाद दोनों ही वो जगह छोड़ के चले गए। अप्सरा का तो काम था, वो काम बन गया, उसको रहने का क्या मतलब है, वो छोड़ के चले गए, और मुनि भी छोड़ के चले गए। कोई प्रश्न करेगा पिताजी क्यों छोड़ के चले गए, कम से कम छोटे बच्चा को देखना चाहिए। ये मुनि बहुत बड़े महात्मा थे, वो उसका भाग्य पढ़ लिए कि उसके पास अगर उसके पिताजी रहते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ के चले गए। पालन पोषण तो भगवान करते हैं, तो उनको वृक्षों ने छाया प्रदान किए, और वृक्षों के जो अधिपति चंद्रदेव अपनी हाथ की अंगुली से उसको अमृत पान कराए, ऐसे वो बच्ची पाली गई, बड़ी हुई, और वृक्षों के संरक्षण में पूरा मुक्त आकाश में उसका विकास हुआ था। तो उसको ये लोग शादी करने के लिए भगवान कर रहे हैं। तो अभी होता है गृहस्थ आश्रम में चले गए तो हमारा तो बंधन हो जाएगा, क्या करें। कहते नहीं, गृहेषु आविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो कुशल कर्मा होते हैं उनको बंधन नहीं लगता है। मतलब यहाँ रहते हुए भी दुबई में कंपनी में काम करते हुए भी बंधन नहीं लगेगा, लेकिन कर्म क्या है, कुशल कर्मा होना है। मतलब आपकी जो चेतना है चेतना को ठीक करना है, कर्म बंधन नहीं करता है, चेतना हमको बंधन में डाल देता है,
कर्म करने का पीछे हमारा क्या चेतना है। जैसे कुशल कर्मा का मतलब यह है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, एक तो हुआ कि आपने देह धारण के लिए कुछ कर्म करते हैं और दूसरा कुछ भक्ति कर्म करते हैं हम लोग। लेकिन जहाँ तक देह धारण कर्म की बात होती है, इसके लिए कह रहे कि एक कुशल कर्मा, उनकी चिंतन कैसे रहनी चाहिए, उनके पीछे कैसे उनका भाव रहना चाहिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति जो अपने परिवार पोषण के लिए चाहे बिजनेस करे या कुछ भी ऑफिस में काम करे, खेती में कुछ काम करे, ये करते समय उसकी मन में ये चिंतन, ये भावना रहना चाहिए कि भगवान ही सबका मेंटेन करते हैं, वो फलदाता है। कभी भी निज व्यक्ति को अपना को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अभी संसार में सब लोग अपना खुद को कर्ता मान करके सब कुछ काम कर रहे हैं। आप कहेंगे मैं कर्ता नहीं हूं तो फल को कैसे मिलेगा, मैं काम करता हूं तब तो फल मिलता है ना। इसमें थोड़ा दुविधा हो जाता है लोगों को समझने में कि भगवान कहते हैं कर्ता तुम नहीं हो, कर्तापन छोड़ो। अरे भाई मैं काम करता हूं तो फल मिलता है, कर्तापन छोड़ना का मतलब क्या होता है? देखिए इसको आपको समझाते हैं कैसे हम कर्ता नहीं है या हम कर्म करने के बावजूद भी फल की जिम्मेदारी हमारा नहीं है, फल दूसरा से मिलता है और कोई देता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, गृहस्थ जीवन में कभी कभी पति पत्नी सोचते हैं अभी हमारा बेटा हो जाए। देखा जाता है बेटी बन जाता है, बेटा नहीं होता है। कभी कभी सोचते हैं कोई बच्चा हो जाए, बच्चा भी नहीं होता है। अब बताइए, उनकी इच्छा है, उस हिसाब से वो लोग अपनी जो कर्म करना चाहे करती है, लेकिन बच्चा भी नहीं होता है। बेटा चाहते हैं तो बेटी हो जाती है, बेटी चाहते तो बेटा हो जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, खेती में आप काम करते हो, आपने एक एकड़ जमीन में धान लगाया, दूसरा कहीं एक एकड़ जमीन में धान लगाया, यहाँ तो धान नहीं होता, यहाँ खजूर होता है। ठीक, एक एकड़ में खजूर लगा दिया आपने, आपके पास और भी एक वो भी एक एकड़ में खजूर लगा दिया। लेकिन जब आमदनी का समय होता है, जब उसको अमल करते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, देखेगा कि दोनों में अंतर हो गया है। आपने तो सही रूप से उसमें पानी दिया, खाद दिया, उसका जतन किया, वो भी किया, तो उसका ज़्यादा हो गया, आपका कम हो गया। क्यों? आप तो कर रहे हैं ना, आप कह रहे मैं करता हूँ, तो लो भाई बताओ, अब जवाब दो क्या हो गया, करता कौन है? आप करता है तो फल कौन दे रहा है? आप तो फल तो पैदा कर सकते, आप करता है, आप नहीं कर पाते। तो भगवान इसलिए कहते हैं तुम मत सोच, तुम अपना को कर्ता के अभिमान में ले लेते हो तो वो अभिमान तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, घमंडी बन जाएगा, मैं ये कर लेता हूँ, हमारा यह है, इतना सब मेरा है, तुम ऐसे क्यों बोलता है, तुम ऐसे क्यों करता है। इस भावना से युक्त होने के बाद व्यक्ति इतना घमंडी बन जाता है वो किसी का बात सुनता नहीं है। भगवान का बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं है। ये गर्व व्यक्ति को नष्ट कर देता है। पहला तो यह है कि आप मत सोचिए कि आपकी क्रियाओं से आपको सब कुछ फल मिल रहा है, कर्तापन की भावना छोड़ना चाहिए। तो क्या भावना रखनी चाहिए प्रश्न होता है, भावना ये रखना है जिसमें पालेगा, फास्ट तो देखना है कि भगवान सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबको फल दे रहे हैं, नंबर वन। और नंबर टू,
मैं इस समय जिस कर्म में नियुक्त हूँ, चाहे व्यापार कर रहा हूँ, किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, खेती में कुछ काम कर रहा हूँ, ये काम करके जो फल होता है, इस फल से मुझको भगवान की सेवा करना है। मतलब जो गृहस्थ अपना कमाता है, उसके घर में उसके पिता माता होते हैं, उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, इनको सब समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा ये प्रेरित हैं। भगवान एक्चुअली उनको मेंटेन करते हैं, लेकिन मुझको भगवान के ओर से एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है उनको मेंटेन करने के लिए। मैं भगवान के ओर से ये काम कर रहा हूँ। क्या समझ में आया? तो भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझको भगवान ने दिए हैं। जैसे मैं कहा, कोई अच्छा कमाता है, बिजनेस, बड़ा बिजनेस कर लिया, परिवार में इतना नहीं लगता है, क्या करेगा? इधर उधर से बैंक में कहीं छुपा करके रखता है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होगा? वो तो खुद तो कुछ किसी को बता भी नहीं पाया, और जहाँ जहाँ छुपा करके रखा था, वो सब बदमाश लोग उसको बाद में भोगेंगे। वो जितना कुकर्म करेंगे, उसका उतनी दुर्गति होगी नेक्स्ट समय में, लाइफ में। मनुष्य जन्म शायद मिलेगा भी नहीं उसको। तो इसीलिए अगर ज्यादा भी हो तो अपना परिवार मेंटेन करके, क्या सिस्टम है? सिस्टम यह है, हमारा परिवार पोषण के लिए जितना चाहिए रखना है, और भविष्य में भी कुछ हेल्थ चैलेंजेस के लिए, जो कुछ थोड़ा सिक्योरिटी के लिए चाहिए, उतना कुछ संचित करके रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है, ये भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो अच्छी सेवा कर रहे हैं उनको सहयोग करना चाहिए। इसीलिए भगवान, मैंने कहा ना, गृहस्थ को भगवान ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, तुमको करना है, तुमको चाहिए थोड़ा, लेकिन तुम इतना सोचता है कि अब से 14 जनरेशन बैठ के खाना खाएगा, ऐसे हम कमाएंगे, और खुद भजन भी नहीं करता है, टाइम नहीं मिलता है उसको, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मूर्ख कहेगा, तुम अपना अपना बोझा ढोने लगता है। तो इसको कुशल कर्मा कहते हैं, समझ लेता है इतना चाहिए, इस हिसाब से काम करके जो टाइम है उसके साथ क्या करता है, मदवार्ता जात जामाना, भगवान की भजन में लग जाता है बाकी समय। यही मनुष्यों को करना है। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में देखा जाता है, संत महात्मा लोग जाते थे अपने शिष्यों के पास और उनको ये सिखाते थे कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है गृह जीवन में रहकर भी। और अभी बहुत समय से ये सब चौपट हो गया, कोई सिखाता नहीं है। तो इसलिए क्या है, लोगों के पास कैसे जीना है वो कला का ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद ने ये सिखाया है, जल्दी सो जा, सुबह जगो और मंगलारती करो, चैंटिंग करो, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, फिर ऑफिस अदालत जो कुछ करना है जाओ, लौट के आओ तो फिर नहा धो करके भगवान की कथा सुनो, क्या गीता भागवत से, फिर रात में सो जाओ, सुबह से फिर। बहुत सिंपल सा जीवन है, ये भगवान ने कहा हमें ऐसे जीवन बिताने के लिए। अगर ऐसा करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, नाम जप करता है, और अपने कर्म जैसे मैं कहा उसी भावना से युक्त हो करके अगर कर्म करेगा, तो कभी भी उसको संसार का बंधन नहीं लगेगा। ये भगवान ने कहे। आप लोग बहुत सरल है, सरल मन से यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं। हम भगवान से ये निवेदन करते हैं कि भगवान आपको ऐसे वृद्धि दें कि आप सत्संग में रह करके भक्तों के बीच ऐसे भावना बनाए रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि आपके आध्यात्मिक जीवन सफल हो।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रीमान प्रभु की जय। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद।